योग दिवस मनाया था और आज हम सभी यहाँ पर कदम को सीधा रखें, ये बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य करे। श्वास छोड़ते हुए एक बार पुनः सर को आगे झुकाएं, श्वास लेते हुए पीछे लेकर जाएं, अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, अपनी अंगुलियों को आपस में मिलाते हुए अपनी कलाई को बाहर की तरफ मोड़ें और श्वास लेते हुए अपने घुटनों को मोड़ें। श्वास लेते हुए घुटने सीधे करें, एक बार पुनः दोहराएं, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने मोड़ें और श्वास लेते हुए घुटने से 4 फीट की दूरी, लेफ्ट को बाहर की तरफ घुमाएं, राइट नी को बेंड करें और श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर उठाएं, श्वास पर श्वास सामान्य रखें। हेलो हेलो, ആശയം അവിടങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ വിവിധ കപ്പലുകൾ അടക്കം നമ്മുടെ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിലെ श्वास भरते हुए राइट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, अपना ध्यान केंद्रित करें। अमृतकाल की समाप्ति पर हमने जो डेवलप्ड इंडिया विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, हमारा वह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा और इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में योग से अधिक कारगर और कुछ नहीं है। साथियों, भारत सरकार अपने स्तर पर योग को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने का भगीरथ प्रयास कर रही है। पूरी दुनिया ने यह भी देखा है किस प्रकार योग उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसलिए आज के अवसर पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए मुझे सचमुच यह अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज को आज सारी दुनिया स्वीकार कर रही है।